हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अबीर, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद है आप पहचान तो गए होंगे। आज की विंडे एनालिसिस कर लें। जिस तरह मॉर्निंग से हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर हमने बाइंग सेलिंग बायर्स और सेलर्स जो हैं वो दोनों हमें मार्केट में नजर आ रहे हैं, एंड दिस वॉज बाउंड टू हैपन। टेक्निकली एक मोमेंटम ऐसा आता है कि टेक्निकली जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं, ट्रेंड लाइन्स हैं, उनको टेस्ट करती है मार्केट, तो वो जो है थोड़े से उसमें मार्केट के अंदर सेलिंग होती है। सो टेक्निकली इस वक्त मार्केट वर्किंग कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस तरह मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से मार्केट इसी तरह करेक्शन ले लेके जाएगी तो फिर मार्केट अच्छी हेल्दी हेल्दी सेंस में मार्केट ऊपर जाती है। केसी 100 इंडेक्स की बात कर लें, इट इज ट्रेडिंग अराउंड 93 पॉइंट्स नेगेटिव, 45,300 पे, 45,200 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ रही है इसकी, और अच्छी बात है। 45,600 का मार्क इसने ज़रूर टेस्ट किया। वॉल्यूम हम देख सकते हैं मिड डे तक क्लोज टू 200 मिलियन की वॉल्यूम है, 170 मिलियन, तो ये भी बहुत अच्छी इंडिकेशन है मार्केट के अंदर। 51 कंस्टिट्यूएंट्स आर डाउन, 13 रिमेन अनचेंज एंड 36 आर अप एज ऑफ येट। अगर हम सेक्टर वाइज बात कर लें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर हम सेलिंग देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, तो बड़े बड़े जितने सेक्टर्स हैं वो थोड़ा सा इंडेक्स को नीचे ड्रैग डाउन कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। बाइक और पेट्रोलियम का बहुत सारे लोगों को याद होगा, अभी रिसेंटली 9 से 11 रुपये की रेंज में रहता था, उसके बाद 9 से 10 रुपये, 10 रुपये से 11, 11 से 12 रुपये का इसने अभी रिसेंटली हाई बनाया था। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर दोबारा रिफाइनरी में मोमेंटम थोड़ा जाग चुका है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बुरी नहीं है, बट शेयर प्राइस जो है वो तकरीबन इसकी यही रेंज बाउंड रहती है, 9 से 11, 11 से फिर 10। तो इस टाइम हम देख सकते हैं कि इट इज़ ट्रेडिंग एट 10.28 रुपीज़ एंड क्लोजिंग इन ऑन 10.50 रुपीज़ मार्क, तो ये बहुत अच्छी अच्छे गेंस हैं। एंड टुडे आई थिंक इट विल बी द फर्स्ट डे कि आज केसी 100 इंडेक्स में TRG जो है वो टॉप वॉल्यूम जो है वो लीडर नहीं होगा। हम देख सकते हैं TRG के अंदर 20 मिलियन की वॉल्यूम है, वरना पिछले अगर हम 13 आज के दिन को हटा के लास्ट 13 डेज की ट्रेडिंग अगर हम देखें केसी 100 इंडेक्स की, तो उसमें 12 दिन जो है वो TRG ने एज अ वॉल्यूम लीडर क्लोजिंग दिखाई है। तकरीबन 400 मिलियन जो है वो सिर्फ TRG के अंदर ही जनरेट हुए हैं इन इन दिस करंट मंथ अगर हम बात करें। सो बाइको आज हमें दिख रहा है कि जो है वो आज पहली पोजिशन ले जाएगा, और बड़ी खुशी से जो है वो मार्केट की क्लोजिंग हमें देख सकते हैं। तो इस दफ़ा हो सकता है कि 12 रुपये का जो लेवल है बाइको उसको टच करके ऊपर जा सकता है। कि इलेक्ट्रिक की बात करें, ऑब्वियसली वो शंघाई की न्यूज़ वगैरह दोबारा से जाग चुकी है, तो इन्वेस्टर्स ने दोबारा वॉल्यूम जनरेट करना शुरू कर दी कि इलेक्ट्रिक में अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली 4 रुपये से शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, 5 रुपये, 6 रुपये, तो अच्छा प्रॉफिट होगा। KMI 30 इंडेक्स की बात कर लें, इट इज़ डाउन एज वेल, 350 पॉइंट्स नेगेटिव देख सकते हैं, 74,500 पे ट्रेड कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूंट्स की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट्स आर स्टिल डाउन एज वेल। इसमें अगर सेक्टर वाइज बात कर लें तो सीमेंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड मार्केटिंग, ENPs एंड OMCs दोनों इस वक्त नेगेटिव मोमेंटम में है। के इलेक्ट्रिक हम देख सकते हैं कि इन KMI 30 इंडेक्स अगर हम उसी हिस्ट्री की बात करें 13 दिन की, जो 12 दिन के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो यूनिटी फूड ने जो है तकरीबन ये कि मेजॉरिटी KMI इंडेक्स में भी जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करी है पिछले 2 हफ्तों से। तो आज हम के इलेक्ट्रिक के अंदर 32 मिलियन की वॉल्यूम देख सकते हैं, और बाकी सबसे ज़्यादा डर है मार्केट के अंदर। टेक्निकली मैं आपको बता रहा था कि मार्केट टेक्निकली एक सिनेरियो ये आता है कि मार्केट वहाँ से जो है वो अपने जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस हैं उनको टेस्ट करती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एरिया इस वक्त आपको नज़र आ रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज होती है जिसमें हमें पता चलता है अगर मार्केट 200 डेज, ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको 200 डेज से बिलो क्लोजिंग हमें नज़र आ रही है। लेकिन ये जो रिकवरी यहाँ से मार्केट ने दिखाई 42,000 से, तो ये टाइम है कि इस वक्त टेक्निकली इस एरिया पे आके जो 200 डेज की मूविंग एवरेज है उसको मार्केट टेस्ट कर रही है, तो रिजेक्शन मिलती है। रिजेक्शन मिल के जिस तरह मैंने आपको ये देखें एरो उस दिन से बनाए हुए हैं, अभी तक जो है वो हमारे पास एरो बने हुए हैं, तो मैंने आपको जिस तरह बताया था मार्केट ऊपर जाएगी फिर यहाँ पे 200 डेज पे टच करेगी, टच करने के बाद जिस तरह मैंने आपको बताया था मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी। नीचे किस लेवल तक आती है वो ऑब्वियसली हमें 50 डेज मूविंग एवरेज का लेवल बताएगा। जी, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज मार्केट की रिकवरी है, रिकवरी ऊपर जा रही है, और यहाँ पे इसने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली ये थोड़ा सा नीचे आएगा। नीचे कहाँ तक आएगा, ग्रीन लाइन जहाँ तक इसकी टच करे। अब यहाँ पे अगर टच कर जाती है, अगर सेलिंग होती है, तो फिर यहाँ पे टच करके दोबारा ग्रीन लाइन से बाउंस बैक करके 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि टेक्निकली सही मार्केट वर्किंग कर रही है, थोड़ी बहुत सेलिंग होगी, नीचे आएगा इंडेक्स, इंडेक्स आने के बाद दोबारा अपने जो मेजर टाइम फ्रेम में 200 डेज का मूविंग एवरेज है उसको टेस्ट करने ऊपर जाएगा, एंड देन वहाँ से इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो मेजर टाइम फ्रेम में, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट
मेजर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में आ रही है, तो वहां से मोमेंटम इसका डेली में प्रॉपरली शिफ्ट हो जाएगा। हम देख सकते हैं एमएसडी की मूवमेंट हमें फॉर द टाइम बीइंग नेगेटिव नजर आ रही है। ये दो लेवल्स हैं जो प्रीवियस लेवल्स हैं, यहाँ तक इनको जो है वो सपोर्ट हासिल है एमएसडी इंडिकेशन में भी। अगर हम देखें इंडेक्स की रेटिंग की बात कर लें, मैंने जिस तरह आपको बताया 70% अबव जाता है इंडेक्स, सेलिंग आती है, वही सेलिंग इस वक्त मार्केट में हम देख सकते हैं। सो ये नॉर्मल वर्किंग है, सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी मार्केट की, और फिर तकरीबन 45,000 या 44,900 तक भी इंडेक्स जाता है तो बुरा नहीं है, वहां से दोबारा रिकवर कर सकता है। KMI 30 इंडेक्स की बात करें, सिमिलर सिचुएशन जिस तरह मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म आवर्ली टाइम फ्रेम में वही 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद रिजेक्शन मिली, रिजेक्शन के बाद नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ऑब्वियसली यहाँ से आके अपने जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, जो ये आप ग्रीन लाइन देख सकते हैं, इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली इट विल बाउंस बैक अगेन, और उसके बाद जब 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर आवर्ली बेसिस पे क्लोजिंग आना शुरू हो जाएगी तो फिर मार्केट वहाँ से और डेली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव रहेगी। मार्केट हीट मैप की बात कर लें तो मार्केट हीट मैप हम देख सकते हैं कि मिक्स सिचुएशन है, मिक्स बाइंग है, सेलिंग है इस वक्त हमें नजर आ रहा है। फ्लाइंग सीमेंट हम देख सकते हैं सीमेंट सेक्टर में पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप लोग को याद नहीं हो, जो KSB के क्लाइंट्स हैं उनको आज भी हमने पे आउट्स की जो फाइल है वो अपडेटेड फाइल्स भिजवाई है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि तकरीबन ये कि 112% समथिंग जो है वो राइट शेयर्स ऑफर हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, ताकि एक्यूमुलेशन करेंगे, जितनी फ्लाइंग सीमेंट में एक्यूमुलेशन इन्वेस्टर करेगा उसी हिसाब से, उतनी नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से उसको राइट शेयर मिल जाएंगे, बैठे बैठाए पे आउट्स के आप मालिक बने। अगर आपने एवरेज अच्छी आउट करनी हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेगा जो भी आपको, इसलिए हम फ्लाइंग सीमेंट में इस वक्त सीमेंट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देख सकते हैं, और इट इज़ अप बाय 2.90% जो कि हम देख सकते हैं। बाकी सीमेंट सेक्टर डाउन है बट फ्लाइंग सीमेंट अप है, बिकॉज इसके जो राइट शेयर्स की अनाउंसमेंट उसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। बाकी बात कर लें तो सब मिक्स सिचुएशन है मार्केट के अंदर एंड दिस विल कंटिन्यू। कुछ ऐसी न्यूज़ की बात कर लें तो हमने देखा था अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो IT कंपनीज हैं उनके ऊपर जो टैक्स की जो पोजिंग है वो लगेगी, तो हम देख सकते हैं कि विड्रॉल ऑफ कॉर्पोरेट IT एग्जेम्पशंस, इसी तरह जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो ख़त्म करने की बात हो रही है, तो ये भी एक तरीके से सही है। IT कंपनीज ऑब्वियसली इन फ्यूचर जब गवर्नमेंट ने डिजिटाइज ही करना है पाकिस्तान, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा बहुत रिलीफ देना बनता है। वीट इम्पोर्ट हम देख सकते हैं, सोवरेन गारंटी फॉर पावर एवोकेशन, जो हमारी ECC कैबिनेट है वो अभी डिसाइड करेगी, वेडनेसडे को सॉरी डिसाइड किया है कि जो है मजीद वीट जो है वो हम इम्पोर्ट करेंगे, और वही बात है मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था कि इम्पोर्ट चीज़ें होंगी, थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, बट ऐसा ऐसा बेहतर हो जाएंगे हिसाब किताब। ECC अप्रूव्स रिवाइज लो कॉस्ट हाउस फाइनेंसिंग फैसिलिटी। पिछली गवर्नमेंट्स में हमने देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च जरूर होते थे लेकिन आवाम को वो सहूलत नहीं मिलती थी, तो अब जो ECC कमेटी है वो भी वेडनेसडे को बैठ के उन्होंने अप्रूव कर दिया कि लो हाउस फैसिलिटी टू एक्सपेंड इट्स आउटरीच एंड सोवरेन गारंटी फॉर ₹15 बिलियन वर्थ ऑफ लोन्स फॉर कोल पावर ट्रांसमिशन। ऑब्वियसली जो कंपनीज हैं, जो रियल स्टेट वाली कंपनीज हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, उनको जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो जाहिर सी बात है बाहर से इम्पोर्ट चाहिए होगा, कोल चाहिए होगा, तो 15 बिलियन वर्थ ऑफ लोन जो है वो उनको प्रोवाइड कर दिए गए कि आप जो कोल की पावर ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट करें, एंड ये अच्छी बात है, अच्छी अच्छी हिसाब किताब है ताकि आगे स्टेबिलिटी हमें इसीलिए नज़र आती है, और कंस्ट्रक्शन डिमांड भी आगे है जिसकी वजह से हम देख सकेंगे कि सीमेंट सेक्टर का दोबारा फिर प्राइस आएगा। रिसेंटली हम देख सकते हैं लकी जो शेयर प्राइस उसकी वैल्यू काफ़ी हमने हाई होते हुए देखी, और अगेन मार्केट के अंदर इस वक्त जो है सीमेंट हम देख सकते हैं कि इस वक्त अगर हम लकी की अगर हम बात करें, लकी इस वक्त जो हमारे पास ट्रेड करा है वेयर इज लकी 849 रुपीज़ हम देख सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत मजीद इसके अपसाइड के चांसेस हैं। तो हम देख सकते हैं किया रिवील्स डिज़ाइन ऑफ इट्स न्यू EV6 कार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हमें पता है कि ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का प्लान है वो ये कि जो फुल सोलर पावर्ड गाड़ियाँ जो है हमारी मार्केट में भी आ जाए, तो जो है उन्होंने अपना डिज़ाइन रिवील किया है, कब आएगी ऑब्वियसली देर इज़ येट टू बी रिवील्ड। अगेन गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी अच्छी हिसाब किताब, अच्छी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है, हम देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर टू हैंड ओवर हाउसेज अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम टुडे, आज जो है वो इनॉग्रेशन इसकी चल रही होगी, लाइव आपने न्यूज़ वगैरह पर भी देखी होगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आसान एक साथ पे जो है वो लोगों को आप जो है वो अपने आप घर की जाहिर सी बातें बना सकते हैं और कब्जा कर सकते हैं, जाहिर सी बात एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं आप
पाकिस्तान में अपना जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो इस स्कीम के तहत आप कर सकते हैं। इजी आपको जो है वो लोन्स की जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। लॉन्ग टर्म आप जो है वो इंस्टॉलमेंट पे जो है ये अपने घर आप बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने इनिशिएट जरूर करी लेकिन उस पर काम नहीं किया, बट पीटीआई इज डूइंग इट राइट नाउ। सो अच्छे काम को हमेशा ऑब्वियसली क्रेडिट देना चाहिए एंड दिस गवर्नमेंट इज डूइंग दैट राइट नाउ। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट हमें पता है, कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली सीमेंट हो गया, स्टील हो गया आपका, फिर जब वो कंस्ट्रक्शन हो जाती है देन देर इज पावर सेक्टर की बात आती है बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल गुड्स की कंजम्पशन होती है, इलेक्ट्रिक आती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ओवरऑल इसी वजह से हम देखते हैं कि फ्यूचर में सीमेंट की सेक्टर की जो ग्रोथ है, कंसिडरिंग द इंटरेस्ट रेट रिमेन सेम, स्टेटस को रहता है, तो ऑब्वियसली इन कंपनीज को जाहिर सी बात है और लोन लेने में कामयाब होंगी, उसी हिसाब से फिर आगे फाइनेंशियली बेहतर रिजल्ट हमें नजर आएंगे सीमेंट सेक्टर के। सो द राइज रिमेन ड्यू। एक और हम बात कर सकते हैं ऑब्वियसली कुवैत टू रिज्यूम इशूइंग वीज़ाज़ टू पाकिस्तानी आफ्टर 10 ईयर्स, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरे मुल्कों से दोबारा ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और टूरिज्म भी जो है वो ऑन द राइज हमें दोबारा नजर आती है वंस वी आर आउट ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन। कोविड की बात कर लें तो ऑब्वियसली 1 in 1,000 पीपल हैड माइनर रिएक्शंस टू वैक्सीन इन इस्लामाबाद। सो देखिए ये होता है, ऑब्वियसली वैक्सीन आएगी, हर एज को लगेगी, ऐसे ऐसे डोजेस तो आ रही हैं पाकिस्तान में एंड ये हम देख सकते हैं रशियन कोविड-19 वैक्सीन रीचेस पाकिस्तान और मजीद कोविड की जो सप्लाईज हैं 50,000 डोजेज वॉज रिसीव एट द जिना एयरपोर्ट इन कराची ऑन वेडनेसडे नाइट। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, कल की रात जो है वो और मजीद वैक्सीन आई है, तो ये अच्छे ताल्लुकात भी चल रहे हैं और ऑब्वियसली हमें नीड है बिकॉज जो हमारे एल्डरली जो सीनियर सिटीजन हैं उनको तो ऑब्वियसली लगे, बट कहीं ना कहीं माइनर रिप्रिकॉशंस आते हैं और वो किसी ना किसी उनकी जो है वो हेल्थ की वजह से होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई डायबिटिक है तो उसको कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, बट ये अच्छी चीज़ है कि हमारे पास वैक्सीन्स की जो है वो सप्लाई आ रही है। कराचीज अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्राइजेस, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन डिमांड होगी तो रियल स्टेट की वैल्यूज बढ़ेंगी, सो ये जो है एक नॉर्म है और इन सारे जो हैं वो आप मैं लिंक्स जो हैं वो इन सब की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप ऑब्वियसली इन कॉलम्स को जाके पढ़ सकते हैं। सो दिस वॉज मिड डे एनालिसिस, अच्छी न्यूज़ हैं काफ़ी मार्केट के लिए, फ्यूचर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आती है, बट वही बात है कि दिस माइनर करेक्शन वॉज बाउंड टू हैपन और ये चलते रहें, कोई मार्केट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इजिली अच्छे फंडामेंटल कंपनीज को डिप पे एक्यूमलेट करें, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा जाएं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कैश अवेलेबल है उसको शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, प्रॉफिट टेकिंग करें और कैपिटल गेन करते रहें। सो दिस वॉज मिड डे एनालिसिस, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने क्लोजिंग एनालिसिस के साथ। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, अपने फीडबैक से मुझे आगाह करते रहा करें और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे ऑब्वियसली ई मेल भी कर सकते हैं एट माई ई मेल एड्रेस जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने क्लोजिंग एनालिसिस के साथ। दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।